मैं हूँ शुभजीत और टेक्निकल शुभजीत में आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा अपने एंड्रॉयड मोबाइल से यूट्यूब चैनल का नेम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग यूट्यूब करते हैं लेकिन कभी कभी लगता है कि यूट्यूब का जो चैनल का जो नेम है उसे चेंज कर देना चाहिए। तो फिर कैसे चैनल्स का नेम चेंज किया जाए उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर इस यूट्यूब चैनल का नाम अगर मैं चेंज करना चाहूँ, ये देखिए लिंकन चटर्जी नाम के एक यूट्यूब चैनल है। तो फिर इस नेम को अगर मैं चेंज करना चाहूँ यूट्यूब ऐप से, तो फिर आपको पहले यूट्यूब ऐप पे जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो गियर आइकन शो कर रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेम के आगे यहाँ का जो शो कर रहा है यहाँ पे पेंसिल की ऑप्शन, इसको आपको क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम सेकंड नेम जो है वो यहाँ पर लिखा है। तो फिर आप उसे चेंज करना चाहो तो फिर यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी नाम आपके मर्जी का डाल सकते हो, ठीक है। तो फिर मैं भी अभी कुछ भी नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसको भी चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा थ्री नेम चेंज अलाउड एवरी 90 डेज, ठीक है। मतलब आपको 3 बार नेम चेंज करना, मतलब आप चेंज करना पाओगे, 3 बार चेंज करना पाओगे, ठीक है। 90 दिन के अंदर आप 3 बार चेंज कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आप 3 से ज़्यादा बार अगर करना चाहो तो फिर आप नाम नहीं चेंज कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो फिर ये देखिए मेरा जो नेम हो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। जो पहले जो अलग नेम था इससे अभी ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो फिर ये देखिए चेंज हो गया है। तो फिर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये गियर आइकॉन जो है यहाँ पर सभी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर अगर आपको एक गियर आइकॉन यहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर आप यूट्यूब ऐप से नेम चेंज नहीं कर पाओगे। उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। उसके लिए आपको ब्राउज़र को ओपन करना है, ठीक है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए जो मेरा चैनल है उनको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी ओपन करने के बाद ये देखिए मेरा चैनल, इस पर जो है गियर आइकन शो कर रहा है लेकिन यूट्यूब ऐप में गियर आइकन नहीं शो कर रहा है, ये ब्राउज़र से शो कर रहा है, ठीक है। तो फिर मैं आपको यूट्यूब ऐप से भी दिखा रहा हूँ गियर आइकन मेरे को शो कर रहा है या फिर नहीं, देख लीजिए मेरे को गियर आइकन ऊपर में शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर गियर आइकन नहीं दिखा रहा है। तो फिर आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, और अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो फिर ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। क्योंकि ब्राउज़र जो मोबाइल से ओपन करोगे तो फिर डेस्कटॉप वर्सन में ओपन नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग तरीके से डेस्कटॉप वर्सन में सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गियर आइकन मुझे मिल गया है ब्राउज़र से, इसको क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जो एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, नहीं नहीं सॉरी, अकाउंट सेटिंग का जो ऑप्शन है ऊपर में इसको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में देखिए अकाउंट का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है टेक्निकल शुभजीत के, यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो फिर एडिट पर क्लिक कीजिएगा, एडिट ऑन गूगल। उसके बाद देखिए
फर्स्ट नेम जो है, लास्ट नेम जो है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो फिर इस तरीके से हटा के कुछ भी नाम यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ओके बटन दिख रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है, तो फिर आपके जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। मैं अभी चेंज नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अगर चेंज करना चाहते हो तो फिर इस तरीके से आपको, अगर यूट्यूब ऐप से शो नहीं कर रहा है तो फिर आपको ब्राउज़र से जाना है और इस तरीके से आपको यूट्यूब चैनल का नेम जो है बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था वीडियो में, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।